रहता है। तो लता, आप जानते हो कि ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं और टेक्निकल चीज़ों में इशू आते ही है, ठीक है। फिर भी हम लोग सारी कोशिश करते हैं, आप लोगों को पता है, लोग रोज़ लाइव सेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेहा मिश्रा बोल रहे हैं कि लेट हुए तो एक बार इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए था। तो नेहा, आपको पता होगा कि ऊपर में एक मैसेज किया हुआ है कि टेक्निकल इशू है, ठीक है, तो मैसेज किया हुआ है। ओके, पूजा गंगवार बोल रहे हैं कि चलिए, पूजा गंगवार ने बताया कि इन्फॉर्म किया हुआ था। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को स्ट्रीमिंग आ रही है तो आप लोग क्या कीजिए, इस लाइव सेशन की जो लिंक है उसको जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि हम हमारा सेशन यहाँ पर मैं स्टार्ट कर सकें। मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि पिछले लाइव सेशन में हम लोगों ने कुछ मैप के क्वेश्चन किए थे, ठीक है, जो हम लोगों से एग्जाम में पूछे थे। उसमें फ्रेंड्स दो क्वेश्चन रह गए थे, वो मुझसे छूट गए थे उस वीडियो में इंक्लूड करना। तो वो मैंने क्या किया है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में दो मैप के क्वेश्चन डाल दिए जो हमसे पिछले वीडियो में छूट गए थे, ठीक है, ताकि हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैप के ऊपर में बेस्ड, वो वीडियोज के अंदर में कवर हो जाए। ओके, तो पहले दो क्वेश्चन मैप के ऊपर बेस्ड रहेंगे, उसके बाद वाले क्वेश्चन जो है वो हमारे जो मैप के अलावा जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले दो क्वेश्चन मैप के ऊपर में बेस्ड रहेंगे, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये मई 2016 का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जो हमसे छूट गया था। ओके, क्वेश्चन था गुजरात के सीमावर्ती राज्य है तो कौन कौन से स्टेट गुजरात के नेबर से, ये आप लोगों को बताना था, तो जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल प्रियंका, DSSSB के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। लता गुप्ता, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको ऑफलाइन भी देख सकते हो, अगर आपको लाइव सेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो देर इज नो इशू। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे इस तरह से स्टेट्स हैं और ये स्टेट अपने दूसरे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो आप लोगों से कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट कौन कौन से स्टेट्स के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। कभी आप लोगों से पूछ लेगा कि तमिलनाडु कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, इस तरह से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो गुजरात राज्य है वो कौन कौन से स्टेट्स के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आप यहाँ पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं देखिए, ये है गुजरात, गुजरात राजस्थान के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बहुत बड़ी बाउंड्री है जो गुजरात राजस्थान के साथ में शेयर करता है। महाराष्ट्र के साथ में भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक समय ऐसा था जब महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य हुआ करते थे, फिर बाद में इनको डिवाइड करके दो अलग अलग राज्य बना दिया गया। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक राज्य हुआ करते थे, वैसे गुजरात और महाराष्ट्र एक राज्य हुआ करते थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दोनों अपनी बाउंड्री तो शेयर करेंगे ही, तो ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। उसी के साथ फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो कि गुजरात मध्य प्रदेश के साथ में भी अपनी बाउंड्री को यहाँ पर में शेयर करता है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हो गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, गुजरात कौन कौन से राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप मेरे साथ में रिपीट कीजिए आंसर मार्क करने से पहले, राजस्थान के साथ में करता है ऊपर में, मध्य प्रदेश के साथ में भी करता है और महाराष्ट्र के साथ में भी करता है। तो यहाँ पर मैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं हम ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते थे, उत्तर प्रदेश के साथ में नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हो फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश किधर है, ठीक है, यहाँ देखिए इस साइड में, उत्तर प्रदेश थोड़ा आपका ईस्ट साइड में आता है, गुजरात जो है वो वेस्ट साइड में आता है, तो इनकी बाउंड्री तो शेयर होना पॉसिबल नहीं है। तो आप पहला ऑप्शन जो यहाँ पर मैं आपको दिया था फ्रेंड्स उसको एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ आप जानते हो थोड़ा नीचे में है, महाराष्ट्र के साइड में है इधर में, तो उसके साथ में भी बाउंड्री शेयर नहीं कर सकता। बिहार वेस्ट साइड में है, तो बिहार के साथ में भी, सॉरी ईस्ट साइड में है बिहार, तो उसके साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं कर सकता। ओके, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन नंबर 4। कौन कौन सा है याद कर लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान कौन कौन से राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको ये तो याद हो गया ना कि राजस्थान जो है वो गुजरात के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, तो ये चीज़ आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने के काम आएंगी, ठीक है। तो मैप को बार बार देखते रहिए ताकि आप एटलीस्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आपके आंसर्स जो है वो निकाल सके, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से थोड़ा हाई लेवल का पूछा था, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का मई 2016 का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आप देखिए मई 2016 का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन है,
रीना स्टेज इन दिल्ली, ठीक है, रीना जो है दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर जाना चाहती है, ग्वालियर में उसकी मामी रहती है, तो मामी के पास घूमने जाना चाहती है, तो उसे किस दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा है फ्रेंड्स कि आपको दिल्ली से अगर ग्वालियर जाना है तो आप किस तरीके से जाओगे, ठीक है, जल्दी बताइए। दिल्ली से ग्वालियर जाना है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्वालियर है कहां पर में। कम ऑन फास्ट, लास्ट 10 सेकेंड्स। थैंक यू नीरज कुमारी शेयर करने के लिए। ओके तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए ये है हमारा भारत, ओके, यहाँ पर मैं है हमारे देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए ये है दिल्ली, ओके। अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ग्वालियर कहाँ है। अब ग्वालियर किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, इसीलिए बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि राजधानियाँ तो सबको पता होती है, लेकिन राजधानियों के अलावा, कैपिटल के अलावा जो स्टेट जो सिटीज़ होती है, इंपॉर्टेंट सिटीज़, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ग्वालियर है मध्य प्रदेश के अंदर में, एमपी के अंदर में है ग्वालियर, यहाँ पर में, ठीक है, जहाँ आप ये रेड डॉट देख पा रहे हो ना, यहाँ पर में कहीं तो भी ग्वालियर है, ओके, मध्य प्रदेश के अंदर में आता है ग्वालियर। तो आपको दिल्ली से ग्वालियर जाना है तो आपको कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा, आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, आप कौन सी दिशा में जाओगे, देखिए यहाँ पर मैंने गूगल मैप की एक इमेज लगा दी आप लोगों के लिए, ये है दिल्ली और यहाँ पर मैं है ग्वालियर, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे साउथ में, ओके। अगर आप प्लेन से जा रहे हो तो आपको 1 घंटे का समय लगेगा, तो अगर आप दिल्ली में रह रहे हो या ग्वालियर में रह रहे हो तो ट्रेन प्लेन की टिकट बुक करवा लो, दिल्ली से ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली आते जाते रहना, ओके। तो कहाँ जाना पड़ेगा, बेसिकली आपको याद क्या रखना है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर में है, यह आप लोग एक चीज़ यहाँ पर में याद रख लीजिए। दिल्ली से अगर आपको ग्वालियर जाना है तो आपको दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा, साउथ में, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। तो एक बार दोहरा लेते हैं, रीना दिल्ली में रहती है, दिल्ली से ग्वालियर जाना चाहती है, तो वो कहाँ जाएगी फ्रेंड्स, वो जाएगी आपकी साउथ दिशा में, ठीक है, दक्षिण के अंदर में। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। कोई ग्वालियर में रहता है क्या, बता दो, ग्वालियर में अगर कोई रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अब फ्रेंड्स जो हमारे मैप वाले क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सुनीता विलियम्स। ये क्वेश्चन मई 2016 में पूछा गया था, तो कभी भी रिपीट होकर आ सकता है सुनीता विलियम्स के बारे में। अब फ्रेंड्स जिन भी लोगों ने कोर्स लिया है उनको पता होगा कि कोर्स के अंदर में मैंने आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, ठीक है, वुमेन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उनकी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कोर्स में दे दी गई है, ओके। सुनीता विलियम्स के बारे में भी वहाँ पर मैं बताया गया है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो, नोट्स पढ़िए, वीडियो देखिए तो आपको पता होगा। तो सुनीता विलियम्स के बारे में यहाँ पर मैं आपको सही कथन पहचानना है, मैं एक एक करके ऑप्शन पढ़ देता हूँ। शी इज़ द सेकेंड वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी, दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की, ये एक ऑप्शन है, वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी, वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है, वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है सुनीता विलियम्स से रिलेटेड। कम ऑन फास्ट, थैंक यू लता, थैंक यू पूजा। ओके जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक और शेयर करते चले, क्योंकि फ्रेंड्स इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बना पाऊँ, क्योंकि जो सोशल साइंस वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि साइंस और ईवीएस वाले बच्चे भी उसी तरीके का रिस्पांस दें। ओके तो फ्रेंड्स जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे भारतीय मूल के 3 अंतरिक्ष यात्री अब तक हुए हैं, ओके, अभी आगे में और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे भारत ने गगनयान एक मिशन लॉन्च किया है जिसके थ्रू हम और अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले थे, जो हमारे भारत के थे और अंतरिक्ष में गए थे, उनका नाम था फ्रेंड्स राकेश शर्मा, ठीक है। तो राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया था वो कौन थे, वो थे राकेश शर्मा, ओके। उसके बाद में फ्रेंड्स जो दूसरे नंबर पर गई थी वो थी कल्पना चावला, ओके। ये राकेश शर्मा जो थे फ्रेंड्स वो रशिया की मदद से गए थे, ओके, और जो कल्पना चावला थी वो यूएसए की मदद से गई थी, ओके। तो यूएसए ने कल्पना चावला को भेजा था। तो राकेश शर्मा पहले मैन और पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे, कल्पना चावला सेकेंड इंडियन थी, ठीक है, सेकेंड इंडियन और फर्स्ट वुमेन इंडियन, ठीक है, वुमेन इंडियन, ठीक है। तो पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला, फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, ओके। उसके बाद में फ्रेंड्स थर्ड नंबर पे गई थी सुनीता विलियम्स, ओके। तो ये क्या थी,
ये थर्ड इंडियन ओरिजिन की थी, थर्ड इंडियन ओरिजिन, इंडियन नहीं थी ये, इंडियन ओरिजिन की थी। उसके बाद में फ्रेंड्स ये सेकेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, तो सेकेंड वुमेन इंडियन एस्ट्रोनॉट थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, अब आपका कोई भी क्वेश्चन इस पर से गलत नहीं होगा। पहला भारतीय राकेश शर्मा, ठीक है, रशिया की मदद से गए थे। दूसरी इंडियन और पहली महिला इंडियन, महिला भारतीय, कल्पना चावला। और तीसरी इंडियन और दूसरी भारतीय महिला, दूसरी भारतीय महिला सुनीता विलियम्स। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते करते हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर मैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 में बोला है वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो प्रथम नहीं थी वो कौन सी थी? सेकेंड थी। प्रथम कौन सी थी, फर्स्ट कौन सी थी फ्रेंड्स? ये अभी मैंने आपको बताया, कल्पना, ठीक है, कल्पना चावला। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये गलत हो गया। उसके बाद में आपको बोला है वो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अब वो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री तो हो ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी महिलाएं जो है वो अंतरिक्ष में जा चुकी है दूसरे दूसरे देशों से, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। वो भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी, दूसरी नहीं थी फ्रेंड्स, वो कौन सी थी? वो थर्ड थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पर राकेश शर्मा, दूसरे नंबर पर कल्पना चावला और तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स है। ओके, तो यहाँ पर मैं ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका गलत हो गया कि वो दूसरी थी, वो दूसरी नहीं थी, वो कौन सी थी? थर्ड थी। ठीक है, उसके बाद में आपका जो पहला ऑप्शन था वो है वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी, महिला अंतरिक्ष यात्री। ओके, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी और ओवरऑल वो तीसरी इंडियन ओरिजिन की थी। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर मैं समझ में आ गई है। अब अगर आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद हो गई है फ्रेंड्स, तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपको अभी हमेशा के लिए समझ गए, इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। ओके, चलिए जिन भी लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक और शेयर करते चले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर मैं सही है, एक सेकेंड। ओके, नाउ फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कई बार ये लिस्ट दिखाई हुई है, ठीक है, इससे पहले जब हमने लाइव सेशंस लिया उसमें मैंने आपको कई बार ये लिस्ट दिखाई हुई है, जिसके अंदर में हमारे इंडिया में जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। ओके, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमारे देश में बहुत सारे क्राफ्ट्स अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर में एक पेंटिंग बहुत फेमस है, ठीक है, वर्ली पेंटिंग। तो वर्ली नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, तो वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके ऊपर मैं बेस में आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। चिकन एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, ये लखनऊ की है। ओके, तो लखनऊ के अंदर में चिकन खाया भी जाता है, पहना भी जाता है, ये किसी मूवी का डायलॉग है, तो बता देना कि कौन सी मूवी में ये बोला गया था। तो चिकन एम्ब्रॉयडरी कहाँ की है? लखनऊ की है, तो चिकन से लखनऊ याद रख लेना। परफ्यूम इतर, ये कहाँ का है? कन्नौज का है। ओके, उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पोचमपल्ली नाम की एक जगह है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो फ्रेंड्स पोचमपल्ली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ये आप लोगों को याद रखना है। पिथोरा पेंटिंग कहाँ की है? तो पिथोरा जो है वो मध्य प्रदेश की है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, वो एटलीस्ट आप लोग याद कर लेना। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, चिकन एम्ब्रॉयडरी लखनऊ की है। एम्ब्रॉयडरी क्या होती है गर्ल्स को पता होगा, ठीक है, मुझे अच्छे से नहीं पता लेकिन शायद कपड़ों के ऊपर की जाती है, ये आप लोग बता कंफर्म कर देना, गर्ल्स स्पेशली। उसके बाद में फ्रेंड्स पश्मीना शॉल जो है वो जम्मू कश्मीर की है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है और पिथोरा जो है वो मध्य प्रदेश की है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों को एग्जाम के लिए याद रखनी है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर मैं वर्ली पेंटिंग के बारे में बताया, ये महाराष्ट्र की है, तो आपको यहाँ देख लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स पोचमपल्ली का एक एग्जांपल दे देता हूँ। पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश का एक विलेज है, एक गांव है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर मैं फ्रेंड्स बहुत अच्छे सुंदर सुंदर यहाँ पर मैं कपड़े बनाए जाते हैं स्पेशल टाइप के, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पोचमपल्ली के नाम से कपड़े बनते हैं और पोचमपल्ली एक्चुअल में क्या है? पोचमपल्ली एक गाँव है, एक विलेज है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर में पोचमपल्ली, ये आपको याद रखना है। चलिए अब जो अभी हमने पढ़ा है उसके ऊपर में बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2016 का क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, ठीक है। तो वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है जल्दी बताइए। वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, वर्ली इज इन द स्टेट ऑफ, तो कहां पर में ये जल्दी बताना है आप लोगों को। नाउ फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे में मैंने कोशिश की है बहुत मेहनत से,
तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है? क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसी मेहनत आप लोगों के लिए और कर पाऊँ। तो लाइक और शेयर करते रहिए, और निगेटिव कमेंट वहाँ जाके कोई नहीं करेगा कि सर आप ही मेहनत थोड़ी करते हो, बाकी लोग भी करते हैं। तो आकर देखो कभी, जब पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है, ठीक है? तो इसीलिए किसी को डीमोटिवेट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट डीमोटिवेट नहीं करना। तो वर्ली कहाँ की है? वर्ली जो है फ्रेंड्स, ये है महाराष्ट्र की, ठीक है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वर्ली पेंटिंग कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ली महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? तो जब भी वर्ली आएगा याद रख लेना महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फरवरी 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है पोचमपल्ली, ठीक है? पोचमपल्ली एक गांव है फ्रेंड्स। तो पोचमपल्ली जो एक विलेज है, जहां पर में स्पेशल टाइप के क्लॉथ बनाए जाते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके के विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई होती है पोचमपल्ली नाम से। तो ये पोचमपल्ली जो विलेज है, ये कौन से राज्य का पार्ट है, ये आप लोगों को बताना है। तो कम ऑन फास्ट, रवि रेड्डी वेल, आप यूपी से, एपी से है, आंध्र प्रदेश से, गुड। ओके, चलिए, मेरे पास में आंसर आना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। लता गुप्ता, शेयर करने के लिए शुक्रिया। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को वर्ली पेंटिंग के, सॉरी, पोचमपल्ली के बारे में भी बताया। यहाँ पर मैं पोचमपल्ली जो है, ये आंध्र प्रदेश का एक गाँव है। ओके, तो पोचमपल्ली कहाँ पर में है? ये आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? आंध्र प्रदेश, ये आप लोगों को याद रखना है। और इस स्लाइड की आप एक इमेज ले लीजिए, और बार 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 इसको रिवाइज करते रहना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को टिक करके दे दिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे इसमें से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स इस स्लाइड में से, ठीक है? इस लिस्ट में से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिया है, ताकि हमारा जो समय है वो बच सके, ठीक है? बाकी और भी क्वेश्चन पूछे, मैं आगे में आप लोगों को करवा दूंगा, आगे वाले जो लाइव सेशन है उनमें। ओके, ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? मैंने आप लोगों को पहले लाइव सेशन में कई बार करवाया है। ये मई 2016 का क्वेश्चन है, मधुबनी जो पेंटिंग है, ट्रेडिशनल आर्ट का फॉर्म है, ये कौन से राज्य के विलेज के ऊपर में रखा गया है? कौन से राज्य का एक गांव है जिसके नाम पर मधुबनी पेंटिंग का नाम रखा गया है? ओके, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, मैं आप लोगों के वहां पर मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। ओके, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन देख रहे हैं, वो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टेम्बर 2016 का क्वेश्चन है। अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए तो मुझे बता देना फ्रेंड्स, ठीक है? हम लोग स्पीड कम कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ईटेबल्स इज रिच इन आयरन, ठीक है? कौन से यहाँ पर मैं खाद्य पदार्थों का समुच्चय है जो लौह तत्व की प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है? जिसके अंदर में लौह जो है प्रचुर मात्रा में होता है, ये आपको सेट यहाँ पर मैं पहचानना है। कम ऑन फास्ट, गुड। यहाँ पर मैं जो मैंने पिछला क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स। हैरी, ये पेपर 1 के लिए है, लेकिन आपकी जो KVS और DSSSB की एग्जाम है, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर मैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पोचमपल्ली अब तेलंगाना के अंदर में आता है, तो फ्रेंड्स हो सकता है, लेकिन ये जो पेपर था, ये आपका आप जो आपसे पेपर में पूछा गया था, उसके हिसाब से तो आंध्र प्रदेश दिया गया था, और आपकी जो NCERT है उसमें भी आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, इसीलिए हमें NCERT के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन था, ठीक है? ओके, ये फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, और 2014 के, फरवरी 2014 के समय में आप लोग जानते हो कि जो आंध्र प्रदेश है और जो तेलंगाना है, वो अलग नहीं हुआ था। ओके, अब अलग हो चुका है, अब पोचमपल्ली तेलंगाना के अंदर में आता है, ठीक है? तो हम जब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर में बेस्ड, उसके अंदर में अपडेट कर देंगे, लेकिन फिलहाल हमें आंध्र प्रदेश ही मानना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर मैं, बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए हैं, गुड। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कोर्स में अलग अलग मिनरल्स और उसके सोर्सेस बताए गए हैं। कैल्शियम का मैंने आपको बताया था कि दूध के अंदर में जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, उसके अंदर में भी कैल्शियम मिलता है। जो आप चना वगैरह खाते हो, जो फिश खाते हो, उसके अंदर में भी आपको कैल्शियम मिल जाएगा। आयोडीन, ठीक है? जो आप सॉल्ट खाते हो ना, नमक, टाटा नमक, देश का नमक, ठीक है? उसके अंदर में भी आयोडीन मिल जाएगा आपको। और अगर आपने फिश खाई है कभी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आप फिश खाते हो, तो उसके अंदर में भी आयोडीन मिल जाएगा, क्योंकि समुद्र के अंदर में आयोडीन मिल जाता है जनरली। ओके, और जो फिश है आपकी, वो समुद्र में ही रहती है, तो वहाँ से उसके अंदर में भी आयोडीन आ जाता है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियाँ होती है, उसके अंदर में आयरन होता है ना? कभी भी अगर आप में खून की कमी हो जाए, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि हरी सब्जियाँ खाओ। फिर फ्रेंड्स मेथी, आंवला, ठीक है? आंवला जो होता है, उसके अंदर में भी ये पाया जाता है, आयरन, लो लॉ।
जैगरी, ठीक है, मतलब कि आपका जो गुड़ होता है उसके अंदर में भी पाया जाता है, जो आपके सीरियल्स होती है, जो पल्सेस दाल होती है, और जो आपका मीट होता है, जो मांस होता है ना, जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं वो मांस खाते हैं, उसके अंदर में भी आपको आयरन मिल जाता है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, ग्रीन वेजिटेबल के अंदर में मिलता है मेथी, ठीक है, मेथी आप लोगों ने खाई होगी, आंवला के अंदर में मिलता है, जैगरी मतलब गुड़, ठीक है, सीरियल्स पल्सेस, ठीक है, दाल वगैरह के अंदर में, और मीट के अंदर में फॉस्फोरस भी याद रख लेना ये किन किन चीज़ों में मिलता है। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सितंबर 2016 में कि किन चीज़ों में आंवला सॉरी आयरन मिलता है, ठीक है, तो आयरन कौन कौन सी चीज़ों में मिलता है फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि आंवला में तो मिलता है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी आंवला है, ठीक है, ओके, यहाँ मतलब सभी है, यहाँ पर मैं भी हमको देखना पड़ेगा कौन से इसमें मिलता है, तो आंवला में मिलता है फ्रेंड्स। स्पिनच मतलब क्या होता है, आपका पालक होता है, ये आपको याद रखना है, आपको पता होगा पोपाय द सेलर मैन आता था एक शो, ठीक है, कार्टून नेटवर्क के ऊपर में बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, वो पालक खाता था और स्ट्रांग बन जाता था, ठीक है, तो स्पिनच के अंदर में भी होता है, आंवला के अंदर में भी होता है, पोटेटो हमने देखा नहीं, ठीक है, टोमेटो भी हमने नहीं देखा, ठीक है, ओकरा भी हमने नहीं देखा, भिंडी के अंदर में, ठीक है, नहीं देखा हमने, हमने देखा है आंवला के अंदर होता है, स्पिनच के अंदर होता है, जैगरी मतलब गुड़ के अंदर में। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको आंसर निकालना होता है, आंवला, ठीक है, पालक और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2016 का क्वेश्चन है, मई 2016 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, मलेरिया के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, कम ऑन फास्ट आंसर कर देना, इसके सारे ऑप्शंस पढ़ लो जल्दी से। स्पीड ज्यादा हो जाए तो बता देना, हम थोड़ा स्पीड कम कर लेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है कि मलेरिया तब होता है जब एक मादा मच्छर मलेरिया रोगी को काटती है, उसके बाद आकर एक किसी और व्यक्ति को काटती है, तब जाकर जो है वो मलेरिया होता है। पहला ऑप्शन ये दिया गया आपको कि पहले किसी एक रोगी को काटेगी, उसके बाद एक स्वस्थ व्यक्ति को आकर काटेगी। मलेरिया इज कॉज बाय मॉस्क्यूटो बाइट इन नाइट टाइम, अब रात के ही समय होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मॉस्क्यूटो के बाइट की वजह से होता है, मलेरिया इज कॉज बाय अ मॉस्क्यूटो बाइट, मच्छर के काटने के कारण होता है, मलेरिया इज कॉज बाय फीमेल मॉस्क्यूटो बाइट, ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहां पर मैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, कम ऑन फास्ट, अच्छा यहां पर मैं अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मलेरिया के बारे में हमने कई बार पढ़ा है कि मलेरिया जो है वो एक मच्छर के काटने के वजह से होता है, ठीक है, तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो, जो महिला मादा एनाफिलिस मच्छर होती है, वो क्या करती है, पहले एक अफेक्टेड पर्सन को काटेगी, जो जिस पर्सन को मलेरिया हुआ हुआ है उसको काटेगी, उसके बाद आकर एक अगर से नए पर्सन को काटेगी तो वो नया जो पर्सन है उसको भी मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, ये जानबूझकर मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या सही हो सकता है ये जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये देखने पर तो सभी सही लग रहे हैं, ओके, देखने पर तो ये सभी सही लग रहे हैं हमें तो, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे सही आंसर है फ्रेंड्स वो क्या होगा आपका, सही आंसर, सबसे सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मैक्सिमम लोग जो है वो डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर मैं जो सही आंसर है वो आपका डी होना चाहिए, क्योंकि मलेरिया इज कॉज बाय अ फीमेल मॉस्क्यूटो, ओके। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो सही आंसर है वो आपका डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसने क्या बोला है कि फीमेल मॉस्क्यूटो, लेकिन फीमेल मॉस्क्यूटो नहीं है, मैंने आपको बताया कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो के कारण होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो के कारण, ओके। तो उसके बाद में यहाँ पर मैं फीमेल एनाफिलिस नहीं बोला है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्क्यूटो बाइट, ये भी बिल्कुल सही है कि मच्छर के काटने के कारण होता है, लेकिन मादा मच्छर के काटने के कारण होता है, नाइट टाइम में ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मलेरिया इज कॉज्ड व्हेन अ फीमेल मॉस्क्यूटो विच हैज बीटन अ मलेरिया पेशेंट बाइट्स अनादर पेशेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो कि जो मच्छर है मादा मच्छर वो किसी मलेरिया के रोगी को काटती है, ठीक है, उसके बाद में वो किसी सही वाले पर्सन को काटती है, तब जाकर यहाँ पर मैं उसको ये क्या होता है मलेरिया हो जाता है।
तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आप लोगों से मई 2016 के अंदर में पूछा गया था, यहाँ पर में उन्होंने फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो लगाना भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर में उन्होंने क्या लगाना चाहिए था फ्रेंड्स, एनाफिलिस मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका गलत है, इसीलिए मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा वन मार्क कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं उन्होंने एनाफिलिस लगाना भूल गए थे। एनाफिलिस लगा देते तो हमारा ऑप्शन नंबर वन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा गया था एग्जाम में, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सही करके क्या होगा, यहाँ पर मैं आप एनाफिलिस लगा देना। एनाफिलिस मादा मच्छर के काटने से होता है, पहले वो किसको काटती है, ये किसी रोगी को काटती है, मलेरिया के रोगी को, उसके बाद एक स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, उससे मलेरिया होता है, ओके। तो यहां पर मैं ये क्वेश्चन गलत था, रॉन्ग पूछा गया था, सभी को एक मार्क दिया गया था उस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2016 का है, किस राज्य में कसावा टेपियो को उगाया जाता है, कम ऑन फास्ट। किस राज्य में कसावा टैपियो को उगाया जाता है। टैपियो को के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो टैपियो को है उसको कसावा कहा जाता है, या फिर जिन लोगों को कसावा नहीं पता उनको साबूदाना पता होगा, कि जो आपका होता है ना उपवास होता है उस समय में साबूदाना खाते हैं बहुत सारे लोग, तो ये साबूदाना है, ठीक है। तो कसावा, साबूदाना, टैपियो को एक ही है। कम ऑन फास्ट, चलिए मेरे पास में आंसर आना स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, गुड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं देखिए ये है साबूदाना आपका, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जुलाई 2019 के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था कि नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियो का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, टैपियो का, ओके। टैपियो का मतलब क्या है, साबूदाना या फिर कसावा। तो फ्रेंड्स उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि केरल के जो लोग हैं वो नारियल डली हुई चटनी के साथ में उबला हुआ टैपियो का खाना पसंद करते हैं। टैपियो का मतलब साबूदाना, नारियल की चटनी और साबूदाना खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपने गैस किया होता फ्रेंड्स, एक एजुकेटेड गैस लगाया होता कि केरल के जो लोग हैं वो टैपियो का खाते हैं, ये आप लोगों को पता होता कि ये लोग साबूदाना से बनी हुई चटनी खाते हैं, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या है कि केरल के अंदर में टैपियो का उगाया जाता होगा, है ना, ये चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है, ओके। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को एक स्लाइड दी थी जिसको मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और बार बार पढ़ते रहना, यहाँ पर मैं भी मैंने टैपियोका लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हम एक एजुकेटेड गैस लगा सकते हैं कि टैपियोका कहाँ उगाया जाता होगा, जहाँ ज़्यादा खाया जाता है वही उगाया भी जाता होगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक एजुकेटेड गैस लगाया जा सकता था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, केरल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक एजुकेटेड गैस लगा सकते हो, ओके, केरल में खाया जाता है तो मोस्टली केरल में ही उगाया भी जाता होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हम लोगों ने आज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप चाहते हो कि ऐसे ही लेक्चर्स आप लोगों के लिए बनते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बने, और मैं आप लोगों को और ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ओके। तो शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी है फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।